Come on. Show from the side. Come on. Come. Place. That's stunning. Who's on there? Will they bring all the shit with her? Yeah, bring all your shit as well. Okay. Ah. Bring everything. Don't leave anything. Come on. Oh, hello, Blue Key. Huh? No, UK. No, UK. No, UK. No, UK. No, UK. No, UK. Spain. Go to Spain. Yeah. Hey, what's the address? UK? Address. Yeah. UK? That's the wrong address. Come on, out. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूरोपियन फुटबॉल टीवी में तमाम देखने वाले नाज़रीन का खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, आप अपना इतना प्यार दे रहे हैं और हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी से स्टोरीज को सुन रहे हैं। और जो भी लोग हमें लाइक करते हैं जनाब और जहाँ जहाँ से भी देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब। आज की एक और आपके साथ नई और बड़ी कमाल की एपिसोड लेके जनाब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। तो लास्ट एपिसोड जनाब ये थी कि हमारी यूनान से हमारा सफ़र शुरू हो गया था इटली के लिए, और अभी इस एपिसोड में जो है ना वो हम मकदूनिया में पहुंच जाएंगे और मकदूनिया में रास्ते में जो है वो किस तरह का निज़ाम था और कितने पैसे दिए, किस तरह पैसे देने होते हैं, ये जितना भी सारा निज़ाम हुआ सर्बिया और उसके आगे बोस्निया, फिर क्रोशिया, स्लोवेनिया और इटली, वहाँ के कैंप जो हैं, मतलब कि नए बंदे के लिए कौन कौन सी मुश्किल होती हैं। तो चलें जी स्टोरी अपनी शुरू करते हैं जनाब। तो अभी वहाँ से वो बंदा हमें नीचे लेके आया ना पहाड़ी से, तो उसने कहा है जी आप इधर से गुजरें और तकरीबन कोई 15-20 मिनट हम चले हैं और आगे खजूर बाग आ गया अंगूरों वाला। उसने कहा है ओए बंदे दे पुत्र बन जाओ तो बहुत राम मौत मरोगे, जेड़े बंदे ने इतों अंगूर लाए ना मैं उनकी लत्तां भन देंगा। तो उसने हमें तड़ी लगाई तो हम चुप करके हमने कहा यार कि हमने कौन सा खाना है। तो जिस तरह वो अगर आपने देखा हो पंजाब में या दूसरे इलाकों में जहाँ पे भेड़ बकरियाँ होती हैं ना, तो वो ज़्यादा भेड़ बकरियाँ हो ना तो कुछ आगे जो है ना वो चराने वाले होते हैं, कुछ पीछे और कुछ साइडों पे। तो तब भी ऐसे ही मंजर था कि दो तीन लड़के हमारे पीछे, दो तीन आगे और एक दो साइडों पे थे और इतनी इतनी लंबी उन्होंने सोटे पकड़े हुए थे और वो कहते थे जो भी इधर उधर होता था ना मारते थे पीछे जनाब उसके बैग के ऊपर सीधा बढ़ा तेन आके तो फिर उधर मामू मारना अगर। तो खैर मैं तो दरम्यान में चल रहा था, मैंने कहा यार बस ना ओ राह छड़ कुरा ना पाइए भावे पेंडा होवे दूर सीधे चुप करके ना अगर निकलने को नहीं जरूरत सानू। वहां से जनाब वो ना एक जो बंदा था ना मकदूना मकदूनिया कंट्री का रियासत छोटी सी एक 200 किलोमीटर जो है ना वो मरबा उसका रकबा है तो खत्म हो जाता है इधर से 200 किलोमीटर आगे जाए तो वो खत्म हो जाता है कि सर्बिया शुरू हो जाता है। तो वहां से जनाब जो ही ट्राला आया वो बड़ा कंटेनर जो पाकिस्तान में आपने देखा तरपालें लगी होती हैं साइडों पे और मोटरवे के ऊपर वो सामान लेके जाते हैं, जो लोग अरब अमारात में हैं वो ट्राले से बखूबी वाकिफ होंगे कि ट्राला क्या होता है। तो वो ही ट्राला था जनाब कार्गो वाला, उसके वो खाली था तो उसके अंदर जो है ना वो हमें उन्होंने कहा जी ऐसे चढ़ जाओ, तो वो छलांगे लगा लगा के ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। फिर उस वहां से तकरीबन कोई हम 70-75 लोग हो गए थे नाजरीन। तो वहां से जो ही हम आगे निकले हैं ना वो ट्राले वाला कहता जी किसी ने शोर नहीं करना तो साइड पे होके बैठ जाए, तो हम उसके ना वो सामान नहीं था उसके अंदर तो ऐसे करके वो उसकी जो चादर थी ना वो हिल रही थी वहां से, तो फटियां नीचे लगी हुई थी उनके ऊपर हम बैठ गए। तो बस ऐसे अपना उसने कहा जी मैक्सिमम 2 घंटे का सफर है आपने हमारे साथ जाना है, तो बाकी अगर आप जो है ना वो शोर करेंगे तो किसी भी टोल प्लाजे पे चेक हो जाएंगे, पुलिस आ जाएगी या लोग देख लेंगे, पीछे से लाइटें भी आती हैं तो वो लाइट जब आगे जो है ना वो सामने होती है ना या ऑपोजिट साइड से लाइट आती है तो फिर वो पता है अक्सर अंदर नजर आते हैं अगर कोई चीज हो। तो उन्होंने कहा नीचे बैठ जाओ, खड़ा कोई बंदा ना हो बस नीचे बैठ जाओ, सारे बराबर हो और ऐसे लगे कि जैसे इसके अंदर कुछ सामान है, अगर 2-3 बंदे खड़े होंगे 2-3 बैठे होंगे तो बस वो ऐसे ही होगा कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं तो हो सकता है स्कैन हो जाए और पकड़े जाएंगे। तो इससे पहले वाला ट्राला था मेरा वो भी इसी तरह पकड़ा था, तो वो कह रहा था कि अभी मुझे 3 दिन जो है ना वो मैं जेल में रह के आज छूटा हूँ तो आज ही मैं ट्राला लेके आप लोगों को लेने के लिए आ गया हूँ, देख लीजिए मेरी बहादुरी है ना, तो बाकी चले आप जो है ना वो चुप करके बैठ के। खैर जी वहां से ट्राला अभी वो गाँव से निकला, उसने मेन रोड पर लगा लिया।
तो उसके आगे आगे एक कंट्रोल वाली गाड़ी थी जो चेक करके बता रही थी कि नाका लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। एक उसके पीछे गाड़ी थी जो पीछे से बता रही थी कि पुलिस पीछे से तो नहीं आ रही, मतलब वो उस हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेता। तो अगर पीछे वाला जो है वो उससे कोई तकरीबन कोई 15-20 मिनट पीछे होगा, अगर पीछे से कोई गाड़ी आती तो उसने एक दफा कॉल की कि पीछे से पुलिस की गाड़ी आ रही है। तो जनाब उसने नेक्स्ट एग्जिट से जो है ना वो जीटी रोड था, उसने एक साथ ही कोई पार्किंग गराज था या क्या था कोई होटल टाइप, वहां पे उसने खड़ा किया और वहां से जो है ना वो 15-20 मिनट के बाद गाड़ी, हम देख रहे हैं इशारे जो है ना वो पर्दे के अंदर से लाइटें जल रही थी, तो वो ऐसे आगे आगे निकल गई है। तो जब वो आगे वाला जो बंदा था ना गाड़ी वाला उससे क्रॉस किया ना उसने पुलिस वालों ने, तो वो उसने कॉल की कि आ जाओ गुजर गई है। तो बस वो आगे आगे जा रहे हैं, बस इसी तरह वो सेफ था हमारे लिए एक महफूज। अभी आगे जो है ना वो जब 2 घंटे चल गया ना ट्राला हमारा, तो हम सारे खुश हैं कि यार शुक्र है आज हम जो है ना वो पहुंच गए हैं, और आज ही हमने जनाब सर्बिया पहुंच जाना है और परसों बोस्निया और 4-5 दिन बाद हमने इटली पहुंच जाना है। ये सारा 10-15 दिन का सफर है, इन जो है ना वो हमारा इधर सारा सब इन्होंने टाइम जाया कर दिया जो यूनान के बॉर्डर पे बैठाई रखा है। खैर जो ही वहां पे गए अभी 10 मिनट चलाए ही उसने ट्राला, तो यकदम से जनाब उसने ना वो ऐसे उसको घुमाया और एक सुनसान जगह, नहीं एक वो होटल टाइप ही था वो भी, और सुनसान एरिया में था, उसने वहां पे जाकर खड़ा कर दिया। तो उसको उसने खड़ा नहीं किया बल्कि उधर उसने घुमा के फिर वहां से यू टर्न लेके दूसरी सड़क पे ले गया है आगे से, फिर उसने यू टर्न लिया और फिर वो उसी जगह पे आ गया उस होटल पे। शायद कोई खतरा किसी बंदे ने पीछे गाड़ी का जो है ना वो लगाई हुई थी, कोई फॉलो कर रहा था या पुलिस का कोई खतरा था, वल्ला आलम क्या मामला था, हम तो अंदर बैठे हुए हैं। फिर एक घर टाइप आया तो जनाब उसके पीछे उसने ना बैग इस तरह ट्राला लगाया और हम सबको कहा है कि बस चुप कर जो, अभी जो है ना आगे पुलिस है, टोल टैक्स जो है ना वहां पे नाका लगा हुआ है और वो सुबह 10 बजे तक रहना है। तो अभी जो है ना वो टाइम रात के जो है वो 12-12:30 बज गए हैं, तो इतनी देर हम इंतजार नहीं कर सकते, तो चलो जुगाड़ लगाते हैं। वहां पे जनाब उसके वो ना वो वहां से चला गया, तो आधे 1.5 घंटे बाद जो है ना वो लेके आ गए हैं गाड़ियां। अभी वो 2 गाड़ियां आई हैं, उन्होंने जनाब 3-3-4 बंदे जो है वो डिक्की में डालने शुरू कर दिए और आगे जो है वो 2 बंदे आगे बिठाए हैं, पहली सीट पे 4-5 बंदे बिठा दिए। तो वो इस तरह 8-8-9-9 बंदे करके ना वो दोनों गाड़ियां जनाब लेके जा रही हैं और वो 10 मिनट आने में और 10 मिनट जाने में लगाती हैं। तो हमसे पहले 4 गाड़ियां जो है ना वो चली गई थी और हम 5वीं गाड़ी में गए। तो वो एक ना टूटा फूटा हुआ घर था, तो उसके अंदर वो लेके जा रहे थे, एक कमरा था तो वहां पे वो आग लगी हुई थी, पहले किसी दौर में शायद वो घर होता था जल गया था या उन्होंने खुद जलाया था। तो वहां पे उसने जाके कहा जी यहाँ पे आप बैठ जाए। अभी वहां पे रात थी तो जो ही हम वहां पे गए हैं ना, तो हमने जनाब वो अपने जो स्लीपिंग बैग थे हमारे वो हमने निकाले और वहां पे बिछाए और ऊपर लेके तो जो है ना वो फिर सो गए। अभी इतनी देर हुई है तो उसने कहा कि जो है ना वो पुलिस है, बहुत ज्यादा कंट्रोल हो रहा है तो आपने शोर नहीं करना, ये गली है साथ में बड़ी सड़क है, यहाँ से भी पुलिस की गाड़ियां गुजरती हैं, अगर कोई बंदा इधर से आपको देख लेगा तो फिर जो है ना वो मसला खराब होगा, तो लिहाजा आपने जो है ना वो उठ के कोई चलाकी नहीं करनी, अगर किसी को पेशाब आया या दरवाजे से बाहर निकलो ये कमरे के और वो सामने सेन है वहां पे सरेआम करो, कोई मुश्किल नहीं। तो पेशाब आपको पता है कि जब डेंकी में हो खाया भी कुछ ना हो तो पेशाब कैसे आता है, पेशाब नहीं आता। अब पाकिस्तान से जो है ना वो शुरू कर लें टैंकी लगानी, तो जब तक आपने अपनी मंजिल पे पहुंच के जरा 4-5 दिन नेड़ के नहीं ना खाना, तो आपको छोटा पेशाब तो आता रहता है, आपका बड़ा पेशाब जो है ना आपकी बड़ी आंत जो है ना वो खाली रहती है, क्योंकि आप इतना सिर्फ खाते हैं जितनी से जो है ना वो शक्तियां बहाल हो जाती हैं। तो वहां पे जो है ना वो हमें छोड़ के चला गया, उसने खाना वगैरह हमें फिर ला के दिया जनाब, वो सोमियां थी बंद वो हमने खाए, उसके बाद वो बोतलें पानी वाली लेके आ गया वो पानी पिया हमने और सोमियां खाई, साथ में अचार था, अचार बहुत फायदेमंद होता है साथ में, अगर अचार अचार हो ना तो फिर बंदे को जो है ना वो भूख महसूस नहीं होती, चस आ जाती अचार के साथ, मेरे मुंह पानी आ गया। तो अचार नाजरीन वो लेके आ गया, फिर हमने अचार भी खाया लेकिन वो अचार जो है वो जैतून का था, वो ये हमारे वाला अचार नहीं था। तो वहां पे अभी उसने कहा जी सो जाए, सुबह आपका बंदा आएगा वो आपको ले जाएगा यहां से। सुबह जनाब बंदा आ गया तो हम सब सोए हुए हैं, तो वो उसका नाम ना वो सब भी बडार था उसका नाम, तो पता नहीं वो लाले मुसे का था या किस जगह था ये वल्ला आलम, मुझे अब ये नहीं पता। उसने आते ही ना जनाब वो दरवाजा लगा हुआ था, उसने आते ही उसका ठुड्डा कराया चंगा जोर से और दरवाजा लटकों के ऊपर गिर गया, और आते ही उसने गलिया भैन दी मां दी तुहाडी दी उठ भैन जो सोना है साले हो, वो सबको उसने जनाब वो उसके पास इतनी लंबी सोटी थी तो वो सही उसने आके डेंकरों वाला रूप एकदम दिखाया। जो उसने ये आवाज निकाली है तो सारे लड़के ऐसे थे कि जैसे मर गए हैं, यकीन करें वहां पे।
सारे चुप और उठ गए हैं जनाब, कोई आंखें मल रहा है, कोई खालिश कर रहा है, वहां पे उठ के बैठ गए हैं और खड़े हो गए हैं, अपनी होश भी नहीं रही और सारे ऐसे हो गए हैं कि जैसे जो है ना वो बकरियों को एक नुक्कर में आप लगा लेते हैं ना सारी सारे हवेली में इकट्ठा करके, तो उसकी इतनी दहशत थी उसने सारा मैदान ही साफ करवा लिया वहां से। कहता भैन जो तुम्हें पता नहीं जितने बहना हो सफाई करके बवी दी, तुम ये खोते आंगन सौ रहे हो, सवाना तुम मैं कर लेना इलाज तुम्हारा, मैं आ गया। तो वहां पे भी एक और मंजर बन गया, हमने कहा यार ये क्या आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ये क्या टीटो पार्टियां कर रहे हैं हमारे साथ। उसने बताया कि मेरा नाम साबी, तो मैं आहो जेड़े किसे कीती ना ते बंदे ते पुत्र बन जा रौला ना पै जा, गड्डी लगी होंगी ते तुहानू लैके जाना है। खैर जी वो अभी नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा जो है ना वो सारा दिन ही मारा वहां पे गुजर गया ना उधर ही बैठे हुए। तो शाम को जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा रहा था, वो गाड़ी फिर ले गया एक बड़ा ट्राला, बड़े से छोटा ट्राला, जिस तरह आप कह लेंगे मज़दा टाइप, ये शाहजोर हुंडई वाला जो है, तो उसके अंदर उन्होंने वो सब बंदों को जनाब बंद कर दिया, जितने भी हम थे ना वो 50-60 बंदे। उसने कहा जी एक फेरे दे विच सारे बह जाओ, तो कुछ लड़के बच गए। फिर उसने दूसरा फेरा लगाया जहां से रात को हमें उसने ट्रक पे गाड़ियों पे उठा के अपने घर लेके आया था ना, उसी जगह दोबारा ले गया ट्रक, वहां भी खड़ा था दोबारा। फिर हम ट्रक के अंदर बैठ गए और वो बंदा भी हमारे साथ जनाब ट्रक के अंदर बैठ गया जो हमारा टैंकर था जिसने हमें रिसीव करना था या पेमेंट वगैरह जिसने करवानी थी, सेफ का इंचार्ज था। तो उसके साथ फिर जनाब हमने सफर किया और तकरीबन 1.5 घंटा फिर सफर हो गया हमारा, और वो टूल टैक्स जो है ना वो हम टप टुप गए हैं। तो वहां से फिर जो आगे गए एक पुल था, पुल के ऊपर जो है ना उसने जनाब ब्रेक लगाई है और उस बंदे ने अचानक से आवाज आई, उन्होंने कहा एक मिनट तुहाडे कोल मैं भैन दी ये दी वो दी कर देंगा, जेड़ा बंदे ने थले ना लथिया सब लड़कों ने जनाब उसने दरवाजा भी खोल लिया है। उसका नाम कोई वो साकब उसका नाम था या क्या था उसको जो है वो बट बट कहते थे। तो इधर मेरी इतनी दाढ़ी थी उसकी और इधर बाली उसने डाली हुई थी कान में एक, और बड़ा उसका ना डरावना सा मुंह था जिस तरह जिन होता है। तो उसके पास इतना लंबा छुरा था, 2 फुट लंबा छुरा तो होगा उसके पास। तो और ये जो हमें लेने आया था ना इसके बैग, इसने भी अपना बैग जो है ना वो पहना हुआ था, तो इसने ऐसे बैग उतारा है, बैग के अंदर से जनाब इसने भी अपना खंजर निकाला, इतना लंबा छुरा था इसके पास भी, तो और ऐसे इसने हाथ में पकड़ लिया और ना वो इस तरह 2-3 दफा इसने ना उसकी जो मुठ है ना उसको नीचे जोर जोर से जो है ना विसर हलाया उसके ऊपर कंटेनर के ऊपर, वो ट्राला था। कहता है सारे जल्दी करो पैजो पुलिस आ गई, जल्दी करो। जूं ही ऐसे वो कर रहा है ना तो जनाब सारे लड़के जो है ना वो सड़क के ऊपर, वो जो आगे जिसने दरवाजा खोला था वो कहता था कि ओए वो सामने पुलिस है तो आ जानी है, इधर थल्ले बड़ो थल्ले छाला मारो थल्ले छाला सड़क। तो अभी जूं ही हम उतर रहे हैं ना, हम जूं ही सड़क से नीचे उतरे हैं, आगे एक बंदा मोड़ पे खड़ा हुआ है, उसने हाथ से इशारे कर रहा है ओए इधर जाओ इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ इस तरफ। थोड़े से आगे गए हैं वहां पर भी एक बंदा खड़ा हुआ था मोड़ के ऊपर, उसने इशारा किया ओए इधर दी जाओ, मतलब कि उन्होंने एक चेन बनाई अपनी 7-8 बंदे थे, पहले उसने उसको इधर बुलाया नीचे उतारा, जो नीचे उतरे तो वो बंदा कह रहा है इधर जाए आगे वाला, जितना वो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं इशारे कि इधर इधर जाना है, तो वो बस उन्होंने अपने इशारे रखे हुए थे। जो ही हम आगे गए ना तो एक बंदा था वो कहता है ओए बूटा सने बढ़ जो पुल दे थले बढ़ के अगर लग जाओ, वो एक नाला था और नीचे जो है ना वो पानी बह रहा था और वो इतना 2-2 फुट पानी था, तो वो क्रॉस करके हमने जाना था तो ऊपर से सड़क गुजर रही थी, तो उसने कहा जल्दी करो पुलिस आ जानी है। तो जनाब हमने सब लोगों ने उसके अंदर जनाब सने बूटा छाला मार दिया, अभी वो भी हमारे पीछे ही और कहते हैं भागो 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 भागो, 2 बंदे आ गए हैं जनाब, वो भाग रहे हैं उनके पीछे हम भाग रहे हैं, हमारे पीछे डैंकर भी भाग रहे हैं, इतने इतने उन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं और वो पीछे बैगों के ऊपर मारते हैं। कहते भजो भैन दी, वो बहन और माँ की गाली के अलावा उनको और कोई चीज आती ही नहीं थी, और इतना भगाया उन्होंने जनाब को 10 मिनट हम भागते रहे। आगे आ गई एक जो ना वो ट्रैक आ गया रेल ट्रैक, तो वहां पे जो ही वहां पे क्रॉस करने लगे ना तो वो जो बंदा ज्यादा गाली निकालता था ना उसका पाँव जो है ना वो फिसला है और वो पटरी के ऊपर गिरा है, तो उसकी तशरीफ जो है ना वो जोर से नीचे लगी है और अल्लाह का शुक्र है कि उसके हाथ में भी वो छुरा था यार, वो जैसे इस तरह गिरा है तो अगर वो इधर लग जाता उसको ये इधर लग जाता तो अल्लाह दा हुक्म ही होना चाहिए फिर। तो खैर वो उसका भी जो है वो ज़्यादा थ्रेड हो गया, सारे चुप करके खलो गए और उसने जो है ना वो फिर वहां से हमारी दौड़ लगवा दी, कहता भागो भागो अभी यहाँ पे दोनों तरफ फंस ले हैं इनसे निकलो, यहाँ पे खतरा है हमें बहुत ज्यादा खतरा है। खतरा क्या है, वो पहले जो है ना वो एक हफ्ता पहले जो इधर से गेम लेके आए थे ना तो उनकी लड़ाई हुई हुई थी उस गाँव में, जो मुखालो पार्टी थे ना और भी पाकिस्तानी जेंट वहां पे बैठे होते हैं तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा, तो वो आए इनको उन्होंने छुरे मारे, वो फसल के अंदर बैठे हुए थे बाजरे के, उनको पता लगा जी आज इनकी गेम आ रही है, तो जब ये लेके आए तो ये 6-7 थे वो 15-16 थे, उन्होंने बड़े बड़े छुरे थे तो वो इनको किसी के जो है ना वो टांग पे लग गया, किसी के पेट में लगा, किसी के गर्दन पे लगा, किसी के हाथ पे लगा,
तो उसके बाद फिर ये भी 12-13 ही आते थे, तो इन्होंने भी कहा जी यहाँ पे खतरा है, अगर किसी मुसाफिर को कुछ हो गया तो आप थोड़ा सा और भाग लें। तो वो पीछे जो साहब भी था वो कहता है कि यार देखो अगर ये ट्रेन की पटरी हमने क्रॉस कर ली, आगे एक सड़क है, अगर पुलिस आपको आती नजर आए ना या वहां पे पुलिस खड़ी हो तो आप सबने पीछे नहीं भागना, आपने वहां से या आगे भागना है, तो यहाँ ऐसे वो सड़क के साथ थोड़ा सा आगे भागे, आगे खाली है वो क्रॉस करके सीधा पहाड़ी की तरफ भागना है आपने, तो ये पीछे नहीं भागते, आप परेशान नहीं होना। तो क्योंकि पहले हमें इस तरह का किया था, हमें पुलिस आ गई तो वो हमने ना इधर लड़के को ट्रेन के ट्रैक में भगा लिया, तो वहां पे जो है ना वो उनके पास स्कूटरियां थी जो ट्रेन के ट्रैक पे चलती हैं, तो उन्होंने हमें पकड़ लिया था। खैर अल्लाह का शुक्र है वहां पे कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ, और पुलिस वगैरह भी जो है ना वो नहीं थी, और हम तकरीबन आधा घंटे का पैदल सफर करने के बाद एक डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी मंजिल थी वहां पे पहुंच गया, और उसने जो है ना वो जाते हैं मैं कहा भैन चुप करके बह जा थले, तो किसी बंदे की आवाज आई ना तो मैं लत्तां भन देंगे थोड़ियाँ बगैर, तो थोड़ा शर्म ही नहीं है ऐसे करके जनाब वो हमें थ्रेड कर रहा, और हम पहले ही थ्रेड थे, वो क्या कहते हैं कि कख हिलिया तो चोर चलिया, असं तो पहले ही चोर से, तो उसने सब उसने कहा बूट उतारो सारे जराबा में पाओ अपन बूटा गाढ़ा मारो तस्मियां किसी से बूट गुम ना हो, तो चलो एक एक बंदा करके जरा कमरा बने अपने बूट सट्टो, तो वहां पे हमने बूट अपने उसके अंदर रखे हैं और फिर बैग वगैरह अपने पकड़े हैं, और उसने कहा इधर पाँव धो सारे, तो वहां पे जनाब हमने टूटी लगी हुई थी तो उसके अंदर पानी भी था तकरीबन काफी, तो वो एक एक बंदा वहां पे जाता और पाँव धो के, तो उसने कहा भी बस ऊपर ये सीढ़ियों से ऊपर चलते जाओ, जहां तक सीढ़ियां खत्म नहीं होती बस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते रहो। तो वहां से हम निकले हैं, पहले नीचे कोई जो है ना वो रैश थी जिसका घर था, वो औरतें थी उसके बच्चे थे, उससे ऊपर जो है वो इनका अपना कमरा था एजेंटों का जो जहाँ पे रहते थे, और सबसे ऊपर जो है ना वो तीसरे फ्लोर पे जहाँ पे वो छत की इस तरह डलवान होती है ना इस तरह डलवान बनी थी, तो उसके नीचे जो है ना वो तकरीबन को 4-5 फीट जगह थी, वहां पे हम चले गए भी, वहां पे देखा तो कारपेट बिछा हुआ है जनाब, तो बड़ा अच्छा निजाम था, तो लेकिन जब जो भी वहां पे गए हैं ना तो बैठे हैं थोड़ा सा भी रेस्ट की है लेटे हैं, तो वो सब भी फिर आ गया, उठो भैन दे दीने वो तुम सौ रहे हो तुम इतने मां के वलीमे दे आए हो उठो ना सौ गए ने जी मैं थोड़ा व्याह पर सद्या है उठो ना जल्दी करो सीधे हो गए बाबू पीछे पीछे हो गए बाबू है। तो ऐसे उसने सबको साइड पे किया और दो बंदों को निकाला, कहता है ऐ मान जो पड़े हो तो झाड़ो झाड़ू दो, तो उन्होंने सफाई करवाई सबसे पहले हमारे, फिर हमने वहां पे देखा दीवारों के ऊपर वो क्लीन के ऊपर और वो लकड़ियां जितनी भी थी वहां पे मतलब के हर चीज के ऊपर चिचड़ थे, आप कह लें पिस्सू जिनको कहते हैं वो छोटे छोटे दाने जो कुत्तों को या जानवरों को पड़ जाते हैं या वो आप जिसको मर्जी कह लें, छोटे छोटे बिल्कुल जू की तरह थे वो गोल गोल पिस्सू हम उसको बोलते हैं, तो वो वहां पे थे जनाब, चिचड़ भी उसको कहते हैं, तो उसने जनाब वो लेटर हमें दे दिए सबको जो है ना वो 10-12 लड़कों को निकाल के, कहते हैं जिन्हें तो चिचड़ दिसते पहने इन सबको आग जला के मारो, तो जिसको भी नजर आता है इनको मारो शिकार करो इनका, आज आपको पका के खिलाने हमने ये वो थोड़ी भैन दी सिरी हो तो वहां पे नाजरीन इतना शुगर लगा ना, तो वो बंदा जनाब उसके पास इतना लंबा सोटा था जो उसके नहीं मारता था मारता था जोर से उसकी जो है ना वो कमर में, और कहता है अभी मैं ले के आ गया हूँ आप सबको, तो आज आपको बर्गर खिला रहे हैं सही है, तो सुबह आपको खाना देंगे, उसने सबसे 5-5 रुपए लिए जनाब, और वो 2-2 5-5 यूरो लिए और 2-2 यूरो वाला बर्गर ला के जो सबके मत्थे पे मारा ये ले खा ले, तो सब ने फिर बर्गर खाया, और सुबह जब हुई ना तो उसने उठाया सबको कहता उठो है उठो 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 अपो अपनी पेमेंटा कराओ, एक लड़का कहता है भाई मेरी पेमेंट जो है ना वो तो हमने बोसनिया जाग देनी है, उन्होंने जब जितने जोर से आई उसके मुंह के ऊपर करवाइएगा तेरी ऐसी दी तैसी हो तेरे बोसनिया जाग देने वाले थे तेरे में केड़ा जेंट ही मेरा जेंट जनाब फलाना जरा ना वो कासम शबीर और तेरे कासम शबीर की भी भैन का तेरी माँ का तेरा है, तो इस तरह जनाब वो गालियाँ और उसने 1-2-3-4-6-10 उसके मुँह के ऊपर मारी, और जब उसको उसने मारा ना तो हम तो सब कंफ्यूज हो गए, हमने कहा जी बस इधर मौत है उधर तो नहीं थी, एक लड़का वो पकड़ के ले आए जनाब उसके जो साथ वाले लड़के थे ना एजेंट वो लड़के ने वहां से भागने की कोशिश की थी, तो और उसने जाके पुलिस को बताया ना कि वहां पे एक जगह है तो वो जो है ना वहां पे लड़के हैं वो ज्यादा है मुझसे भी तो उनको पकड़ के कैद करके रखा हुआ है उनको मार रहे हैं, तो लिहाजा आप मेरे साथ चले उनको पकड़ लें वो लड़कों को भी और वो एजेंटों को भी, वो जो पुलिस वाला था उसने जना गाड़ी में बिठाया उसको कहता सबर कर, तो वो जो घर की डायरेक्शन उसने बताई थी ना तो वो शायद वो कजन थे आपस में वो मालम कान या वो रले मिले होते हैं क्योंकि उस एरिए में थे, उसने कहा कि यार ये ऐसे ऐसे बंदा है मेरे पास एक तो ये तुम्हारी रहस्य आया है तो ये कह रहा है वहां पे बंदे उनको पकड़ लो जाके,
वो बंदा जनाब फौरन से उसने ऊपर आया, कॉल की, उसने कहा कि नीचे हो एक बंदा, तुम्हारा कौन का काम है? सब लड़कों ने देखा, उन्होंने कहा जी वो एक मोटा सा था, तो वो मम्मी डैडी वो काम है। तो उसने कहा वो किधर गुम हुआ? वो कहता जी वो तो वो उधर, जब हमारे, हमें तो नहीं पता, तो वो किधर था? हमसे तकरीबन एक घंटा जो है ना वो पैदल चल के ना, तो आगे सड़क के ऊपर किसी जो ना वो गाँव के स्टार्ट पे शायद चला गया था। तो वो गया, वो ले गया आगे, तो उसका जनाब बोस्निया तक का हुआ हुआ था 800 यूरो। 800 यूरो ये 38 कंट्री हैं सारे, 32 हैं यूरोप, यूरोपीय यूनियन में जो है ना वो आ जाते हैं 32 कंट्री के, और 48 जो है वो शेंजन कंट्री में आ जाते हैं, पता नहीं यार इस तरह का कोई, अब मुझे नहीं पता, और इन सब में जो ना वो यूरो चलता है, तो लिहाजा यूरो में फिर जो वो बात होती है आपकी यूरोप जाने की। तो जो ही वहां से जो है ना वो बंदे को लेके आया लड़के को, तो उसका एक रंग जो है ना वो आ रहा है, एक जा रहा है, और उड़न पटोले खेल रहा है जनाब। तो वो आते ही उसने जनाब वो ना वो जो बट लड़का है ना, उसका नाम पता नहीं क्या था, लेकिन उसको जो है ना वो बट बट कहते थे। तो वो बहुत जालम था यार, बहुत अपना ना उसको उसको कह लें आपके, बहुत चवली था यार मेन सिंपल लफ्जों में, कोई लत्थी चढ़ी नहीं जनाब। उसने आते उसने कहा बट्टा इन पा लम्मा आंदा फड़ लो सारा, इन्हू पता नहीं क्या साडा इलाका है, इस नस के तो जाए साड़ी बिस्ती, उसे साड़ी बिस्ती कराए। उसने जनाब ऐसे उसकी गिची से पकड़ा उसको, एक दो तीन चार ऐसे उसकी गर्दन पकड़ी हुई है, और उसका हाथ भी इतना बड़ा था वो बट का, तो उसने जनाब गर्दन से वो मार रहे बट दड़ाल दड़ालो इतना मारा उसको बेचारे का, तो उसका ये वाला जो हिस्सा है ना जिधर उसको मार पड़ी थी, तो वो लाल सुरख हो गया, और हम सब जो है वो अपनी जगह को बैठ पे अंदरों अंदर ही मार रहे हैं यार, यहाँ पे ऊंची सांस भी ली अगर इनके नजर में आ गया तो मर जाना है। तो वहां पे हर बंदा ऐसे नीचे अदब से सर झुकाए बैठा है कि जैसे ससुराल में हो, कि कोई खता हो गई तो हमें भुगतनी पड़ेगी। खैर हम उनके अंडर थे, उनके कंट्रोल थे। एक और लड़का था, तो उसने कहा जी भाई मेरे को पैसे तो नहीं है, तो मैं जो है ना वो कहा था कि मैं उधर जाके बोसनिया में। उसने किसके हो? मैं मौलवी का। और तेरे मौलवी दी भी भैन दी इधर फाड़े ने भी लम्मा पा। उन्होंने जनाब ऐसे चार लड़कों ने पकड़ा उसको, उसने उसकी तशरीफ पे कोई 12 डंडे मारे एक जगह पे, और तशरीफ जो है ना वो मैं इधर तस्वीरें नहीं लगा सकता, तस्वीरें तो मेरे पास सारी भी पड़ी हुई हैं और वीडियोज भी पड़ी हुई हैं, तो जो मार कुटाई वाली है वो मैं इधर पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि वो यूट्यूब के रूल्स हैं, तो अगेंस्ट है उसके। तो अगर कहते हैं तो वो पेज है ना अपना फेसबुक का, तो वहां पे मैं लगा दिया करूंगा, अगर नीचे लिंक भी दे दिया करूंगा, आप सब पेज को फॉलो कर ले, वहां पे मैं अपलोड करता रहता हूं ऐसी वीडियो। तो उसने जो है ना वो उसको छोड़ा, तो जो दूसरा था ना जो बाक गया था उसको जना वो दो बंदे आए हैं वो वहां पे मखदून है, वो बॉडी बिल्डर टाइप के थे, उन्होंने आते उसको एक इधर से लगाई है, दूसरे ने इधर से लगाई है, ठुड्डे टक्के लत्तां मुके कसुने गुब मार मोर के जनाब उसको। हम फिर थ्रेड हो गए, हमने कहा यहाँ तो आले का ताना का तंदनी तानी बिगड़ी हुई है। तो उसको ले गए उसको वो ऊपर पहाड़ों पर जाकर उसको मार मार के वरान करके वो नीचे लेके आ गए। उन्होंने कहा जी इसकी टांग काट दो, एक जो है ना इसने हमारे खिलाफ ऐसी बात की है, इसकी टांग ही काट दें। तो अभी हम डर रहे हैं, हम कहते हैं यार इसने क्या किया ये वाकई, किन्ने च गल हुई इस देरी। फिर जो पीछे से उनका बड़ा उस्ताद था ना जो हमें भेजने वाला था, उसको उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि यार वो ऐसे ऐसे बंदा भाग रहा है। उन्होंने कहा किधर है कुत्ते का पुत्र, मेरे ना गल कराओ। उन्हें बात करी किंदा बनना है फलाने का, वो तो तेनों भैन दे फलाने टिंगड़े, तेन शर्म नहीं आई है? वो तू इंज किया क्यों है? तू नहीं जाना, तू भैन इंज किवें करा, तू आप ना जा, तू ना जा वापस, तू साडा क्यों दस्या है, इनू मारो है। उन्होंने जनाब फिर उसको नीचे कमरे कहते ने अच्छा रहने दे मारो ना। इन्हें 1000 की गल हुई थी उतों ला के यूनान से लेके बोसनिया तक 1000 यूरो की बात हुई थी। तो लिहाजा ऐसे करो कि इसको 2000 इससे लो, डबल इसको करो, और साथ में जो है ना इसकी पटाई भी करो। तो उन्होंने जनाब उसके बाप को कॉल करवाई, उसके बाप को कहते हैं जी पेमेंट कर रहे। वो कहता है जी मैं तेन कले ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि ये कब गया है कहाँ से गया है, तो मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं देने को, मैं तो नहीं दूंगा इसको, मार दे मेरे मेरी तरफ से, खुली इजाजत है। उन्होंने जनाब फिर रगड़ा लगाया और उसको ना वो लटा के नीचे, मुझे वो कहता है कि यार भाई उठो एक बंदा रोटी पकाओ, किनू जा रोटी पकाने। तो मैंने उठा, मैंने कहा यार मैं तो यहाँ से बस निकलूँ, मैं नीचे चला गया रोटी पकाने के लिए। मेरे साथ एक और लड़का आया वो फलक शेर था, तो हम दोनों नीचे मिलकर खाना बना रहे हैं। तो अभी वो उसको नीचे फिर लेके आए और कमरे में वो उसको कहते हैं इसको मार, वीडियो बना देते प्यो ने कर लेते प्यो दी भी कुड़ी दी ये तो वो तो फलान ठीक जना वहाँ पे इतनी गालियाँ अल्लाह अल्लाह। तो वहाँ पे और जो है ना वो हम थ्रेड हो रहे हैं, तो उन्होंने जनाब इतना लंबा एक डंडा था वो काला प्लास्टिक,
तो पता नहीं वो किसी पुलिस वाले से छीना था उन्होंने या किधर से लिया था, उसको कमरे में ऐसे लटा के ना उन्होंने चार पांच उसकी तशरीफ में मारी है, साथ में वीडियो बनाया कि उसके प्यो को सेंड कर दी। उसका अब्बा कहता है यार मैनू इन्हें क्यों सेंड कर दियो, इन ना इन छुरी लाओ, इन एक कान इधले पास लाओ, एक कहना नक का वडो, इन जिब वडो, तो इन संग इस पास जो है ना वो थोड़ा सा छुरी इसको मारो तो यहां से काटो, तो फिर वीडियो मुझे बना के सेंड करो, इससे मुझे क्या होगा। फिर वो लड़के ने जब ये बात सुनी ना अपने अब्बे की, तो वो रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यार भाई मेरी बात सुने, वो मेरा जो बाप है ना उसने दो शादियां की हुई हैं और हमें उसने छोड़ दिया हुआ है, तकरीबन 4 साल हो गए हैं। मैं पाकिस्तान में था, मुझे उसने बुलाया, वो यूनान में रहता है, मुझे उसने बुलाया कि यार ऐसे ऐसे मैं ना तुम यूनान में आ जाओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा और तुम्हें अच्छा जो है ना वो कमाल हो गए, तो मैं वहां पे 2 साल रहा हूँ, तो उसने जो है ना वो काम करता रहा हूँ, पैसे उसको देता रहा हूँ। तो अभी मैंने कहा अबू मैंने जाना है, तो कहते हैं ठीक है चले जाओ। तो अभी मैं इधर आ गया हूँ तो अबू पैसे नहीं दे रहा, तो उन्होंने उसकी माँ को फोन कराया। तो जब माँ से बात कराई तो वो जनाब माँ उसकी बेचारी दाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। माँ उसकी कहती है कि जिमें जान दो मेरे को जिन्हें पैसे जब मैं अपनी वालियां सेल करके अपने सोने के कंगन जो है ना वो सेल कर देती हूँ, जो जो कहते हैं मेरे पास है मैं अपना सब कुछ सेल कर देती हूँ, खुदा ना मेरे बेटे को पाकिस्तान भेज दें आप किसी तरीके से। तो जब ये वाली बात आई ना, तो वो ओपन स्पीकर था, हम भी सुन रहे थे, तो कसम से माँ की एक जो बेबसी सुन के हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। हमने कहा कि यार अभी लड़के पता क्या कर रहे थे, लड़के उनको पता क्या कहते हैं, लड़के कहते हैं यार इसकी माँ का फोन हमने सुना है, तो जो है ना वो हमें 70 बंदे हैं तो इसका कितना 800 यूरो बनता है ना, तो 10 10 15 15 यूरो हमें आने हैं, हम सब दे देते हैं, तो अब इसको ना मारे और इसको पैसे कहीं से ना जो है ना वो आपने नहीं मांगने। तो जब ये बात की ना तो सबकी आंखों में आंसू आ गए, जब माँ की बेबसी देखी तो यार माएँ तो फिर भी माएँ ही होती हैं ना। तो खैर चाहे उसकी माँ थी लेकिन ममता तो हम सबके दिल में थी ना, तो जब ये बात सुनी तो सबके जो है ना वो जज्बात, तो लेकिन एक ये भी था, वो कहते थे कि यार ये भागा क्यों है, ये हमें भी पकड़वाना चाह रहा था, बाकी फिर भी चलो खैर पैसे जमा करते हैं। तो जब हमने ये बात की ना तो वो जो एजेंट था ना वो कहता है बह जाओ तुम वे पैसे वाले हो मामे हो, थोड़े को एडे वादू ने पैसे असी आपे कर ला दे। उसको कहते हैं ओए तू 3 महीने साढ़े ना रहना है, कम करना ही तो साढ़े ना ठीक है, तेनों पैसे भी दे खर्चा भी दे, तो तेनों 3 महीने बाद जो है ना वो 2000 3000 जिन्ना भी तेरा बनया तेन दे के तो वापस तेन यूनान भेज दें, या अगे टुर जा तू साढ़े ना कम कर। तो वो भी हटा कट्टा था जो है ना, उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ काम करेगा, अच्छा डैंकर बनेगा, चाकू चूकू चलाना इसको सिखाएंगे, लड़ना सिखाएंगे, हमारे साथ मुसाफिर लेके आया करेगा, यहाँ से उठाएगा आगे सर्बिया के बॉर्डर तक लेके जाया करेगा। तो फिर वो 2 दिन जो है ना हम वहां पे रहे हैं, कुछ लड़कों के पैसे हो जाते थे पेमेंट, कुछ की नहीं हो रही थी, जिनकी नहीं हो रही थी फिर उनके जो डंडा फिरा जो उनको शामत चढ़ी है ना वो भी कमाल की थी जनाब, डांगा दे डांगा खड़ा खड़ा, हमने सोए होना तो उसने आके जो है ना वो सबको कुटना शुरू कर देना कि यार ये क्या टोपीबाजी है कि आप लोगों को हम निकालना है यहाँ पे, पुलिस आ जाएगी, आज 3 दिन हो गए हैं आपके पैसे क्लियर नहीं हो रहे। तो मैंने भी वो ना मोबाइल तब मेरे पास था, तो उन्होंने जाते हुए हम सबसे मोबाइल भी ले लिए घर के अंदर, और उन्होंने कहा जी अभी जो है ना वो अपने अपने मोबाइल लें और अपने अपने फ़ोन करें, उन्होंने मोबाइल दिया हमने कॉल की पेमेंट के लिए। तो मेरी पेमेंट तो उधर ही थी, वो पता है मैंने ना वो जो मेरा मामू का बेटा नासर था उसके पास रखी हुई थी, तो वो पेमेंट मेरी उसने दूसरे दिन कर दी थी, तो मेरी पेमेंट भी हो गई और चाचा जो मेरे साथ था उसकी पेमेंट भी हो गई। तो अभी वहाँ पे ये डर सताया जा रहा था यार कहीं पुलिस ना आ जाए, पेमेंट हो गई है पकड़े ना जाए। तो खैर जी 5 दिन हम वहाँ पे जो है ना वो जीते और मरते रहे, वहाँ पे सफाइयाँ करते रहे, वहाँ पे जनाब हम चिचड़ मारते रहे, वो इस तरह लाइटर जला के ना ये जो दीवारें हैं ना अभी ऐसे हम इसके साथ वो लगे हुए हैं जनाब, तो ऐसा करके लाइटर जलाया तो वो उसको जला देना वहाँ पे वो मर जाना क्लीन के ऊपर है। जब रात को सो गए हैं दिल करे कानू में जो है ना वो कुछ कुछ हो रहा है इधर जिस्म के ऊपर, तो जहाँ पे चलते हैं तो थप्पड़ बन जाते हैं। खैर जी वहाँ पे 5 दिन जिल्लत के काटने के बाद फिर जो है ना वो मुझे नहीं पता था कि आगे मौत जो है वो हमारा इंतजार कर रही है। वो मौत किस तरह की थी, पहाड़ों की मौत, और सुना है कि सर्बिया और बोस्निया के पहाड़ जो है ना वो सबसे ऊंचे पहाड़ है और सबसे जो है ना वो जरखेज इलाका है और वहां पे जंगली जानवर भी होते हैं, तो बहुत मुश्किल और कठिन पहाड़ थे। खैर वहां से जूं ही हम उसने कहा कि आज रात को निकलना है तो तैयार हो जाए सब, सबने जनाब वो शाम का खाना खाया और वहां से जूते वगैरह हमने पहने हैं, नीचे लेके आ गए एक एक बंदे को। फिर उसने कहा जी चले सीधे वो जो सामने गांव देख रहे हैं मस्जिद का मीनार, उससे आगे जाना है वो एक रास्ता ऊपर निकलेगा, हम वहां पे गए चलते गए चलते गए, वो तकरीबन आधा पौना घंटा हमने सफर किया। तो वहां से एक गांव के पास गया ना तो वो अचानक से आगे बड़ी तेज रफ्तारी से एक गाड़ी आ रही है हमारी तरफ, उसने कहा सारे लंबे पै जाओ, तो हम इस तरह साथ में ना वो दीवारों के लग गए हैं, जो एक घर था और इस तरफ जो है वो पहाड़ था, तो हम साथ लग गए, गाड़ी गुजर गई, उसने कहा भजो
गाड़ी ने देख ली है, पुलिस को फोन करेगा। तो ये गश्त वाली जगह है, ये बॉर्डर एरिया है, आगे सर्बिया है। वहां से जनाब उसने हमें जो है ना वो ऐसे करके एक वो सड़क ऐसे थोड़ी सी ऊपर जाती थी, उसने कहा आप सड़क पे नहीं, यहाँ से सीधा ऊपर पहाड़ चढ़ो, आपको सजा है कि आपको गाड़ी वाले ने देखा क्यों है। यार बंदे का पुत्र बन साड़ी वजह तो सजा है। तो खैर वहां से फिर हम चढ़े और तकरीबन हम जो है ना वो को आधा घंटा जनाब ऐसे बिल्कुल वो 85-80 के एंगल पे थी, तो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर गए हैं तो ऊपर एक जो है ना वो बिल्कुल छोटा सा किनारा सा आ गया है पहाड़ का, और उसके बगल में बना हुआ रास्ता सा, तो उसके ऊपर जो है वो शायद वो पता नहीं किधर जाता था, और उसके ऊपर हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, आगे वो ऐसे ऊपर चढ़ाई की तरफ चल रहा है। और जब हम तकरीबन कोई आधा घंटा उस रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो पहाड़ों में हम जनाब खो गए हैं, मतलब कि वो हमारे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। मैं कहता था यार यहाँ पे को मार के फेंक दे तो क्या होगा, वो बंदा किधर से मिलेगा हमें। खैर जूं ही जो है ना वो वहां पे उसने जो ना वो बिठाया, कहता है ओए इतनी बहना पुलिस आ जाएगी, पुलिस का डर था हर जगह पे, पुलिस का डर दे के तो फायदा लेते हैं। तो वहां पे आगे गए, उसने कहा अभी यहाँ पे बैठ जाओ, अभी यहाँ से हमने बॉर्डर क्रॉस करना है और इधर से पानी भर लो जिसने भी भरना है। वहां पे पाइप लगा हुआ था शायद दरख्तों को पानी, या उधर किसी ने आपको अपना डेरा टाइप बना हुआ था बकरियों वाला, तो उधर से हमने पानी भरा और पिया। तो फिर वहां से ही ऊपर जो है ना वो हमने चढ़ना शुरू करना था, तो उसने कहा ओए चलो इतू ना हौली हौली करके उधर चढ़ना जी। तो जूं ही हमने उधर देखा तो वो ऊंचा एक पहाड़ था, तो उसके ऊपर चढ़ना था। अभी जूं ही मेरी जो टांगे थी वो गर्म थी और पट्टे जो है ना आपको पता है मसला था, तो मैं जूं ही ऐसे उठाऊ थोड़ा सा मैं चढ़ाऊ ना, तो मेरे जो पट्टे थे वो भी चढ़ गए साथ में। उन्होंने कहा भाई पुत्रा तू कितने जाना है, इतनी बह जा जो करके। तो मैं अभी जो जिस तरह वो लूला बंदा नहीं हो जाता तो, और अपने जो है ना वो घुटनों के बल वो इस तरह चलना शुरू कर देता है, तो अभी वो सब चल रहे हैं तो मैं जना वो ऐसे रखूंगे बल और ऐसे करके, अब टांगे जो वो तो काम नहीं कर रही, तो वहां मैं पीछे रह भी नहीं सकता था। अभी किसी का हाथ आ जाता, किसी बंदे के कोई अगवा कर लेता, तो वो बोस्निया वो सर्बिया के जो पहाड़ थे या मकदोनिया के, तो पता भी नहीं चलता, पैसे मांग लेते हैं और वो पता नहीं कितने कितने लाख रुपया मांगते हैं, तो बंदे के पास होते तो है नहीं। तो खैर जी वहां पे फिर मैंने अपनी हिम्मत जारी रखी और वहां से मैं ऊपर चढ़ता गया। तो थोड़ा सा शुक्र है कि वो ऊपर चढ़ने के बाद ना एक सड़क सी आ गई, उसने कहा जी अब यहाँ पे बैठ जाओ, वो सामने आपको आवाज आ रही है लाइट नजर आ रही है ना, वो पुलिस फौज की गाड़ी खड़ी हुई है, इसके ऊपर एक सड़क है कच्चा पाया, तो यहाँ से आगे जो है ना वो हमने बॉर्डर क्रॉस करना है, तो तैयार हो जाए। तो बस इसी तैयारी में जनाब फिर जो है ना वो हम आधा घंटा हमने वेट किया, तो इंशाल्लाह इससे आगे फिर जनाब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने बॉर्डर जो है ना वो मुश्किल से पार किया, और बॉर्डर पार करके अभी हम नीचे उतरे ही थे कि आगे से जो है ना वो पुलिस वाले आकर उन्होंने हमें पकड़ के दोबारा फिर डिपोर्ट कर दिया, और उसके बाद फिर हमारा अगला लाया मल क्या था इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपने भाई को दे इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।